नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक ऑन मतलब देखा जाए तो एक ऑनलाइन बैंक के बारे में, जो देखा जाए तो डिजिटल बैंक है, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, फिनो पेमेंट बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक का जब IPO आया था, तब इसके ऊपर मैं वीडियो बना के दिया था, बहुत सारे दोस्तों ने देखा है। और आज इस कंपनी के बारे में डिटेल्स वीडियो में बनाऊंगा, मतलब डिटेल्स वीडियो में आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, इस कंपनी का जब मार्केट में स्टॉक का जब मतलब IPO आया था, तब मैं आपको बताया था कि मिनिमम एक क्वार्टर आप जाने दीजिए, तो उसके बाद कंपनी के डेटा आपके सामने आ जाएगा, कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं उसका एक आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो उसी के बेसिस से आपको इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो आज मैं इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब एक गुड न्यूज़ भी दिया हुआ है, जिसके चलते हुए आज के दिन स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनो जो पेमेंट बैंक है, तो इसके ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो फिनो पेमेंट बैंक जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो एक डिजिटल बैंक है, और आज के दिन इस कंपनी ने करीबन करीबन 2.5% से भी ज़्यादा तेजी देखने को मिला। तो अराउंड आप देखेंगे तो करीबन करीबन 2.5% से भी ज़्यादा तेजी देखने को मिला, तो 3.5-3.75% तक तेजी है। कितना तेजी है वो आपको 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखने से ही पता चलेगा। हाँ, 4% तक तेजी देखने को मिला। तो देखिए, 5 दिनों में तो इस कंपनी का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला 5% तक, और कंपनी स्टार्ट हुआ था 2021 में, और वो भी नवंबर मंथ में। तो इस कंपनी के जो नवंबर मंथ का जो डेट मतलब लिस्टिंग होने के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं देखने को मिला, क्योंकि 1 मंथ में देखेंगे तो चलो 8% तक रिटर्न कंपनी दिया, 6 मंथ में देखेंगे तो 42% तक लॉस दिया। मतलब इसका हालत किस तरीके से हुआ आप देख ही सकते हैं। और एक साल में भी कंपनी उसी तरीके से काम किया, और 5 साल और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ था तब इसका प्राइस था 543। तो मैं एक बार लिखना चाहता हूँ, 543 इसका मतलब हाई था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 वीक का हाई, सॉरी और भी था, फिर 582 इसका 52 वीक का हाई था, और लो कर चुकी है कंपनी 210, वो भी कुछ ही दिन पहले ही कंपनी लो किया गया था। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था नवंबर मंथ में 2021 में, उस दिनों से आज तक कंपनी का टोटली जो फिगर है वो अभी देखा जाए तो नेगेटिविटी में है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। तो आज के दिन इस कंपनी ने एक अच्छा खासा गुड न्यूज़ भी दिया हुआ है, तो गुड न्यूज़ कौन सा है वो चलो सबसे पहले मैं उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक जो है वो टोटली क्या करने वाला है, बाई 12.19% 12.19% स्टेक इन, यहाँ पे देखिए पेस स्प्रिंट है, तो पेस प्रिंट के ऊपर कंपनी खरीदारी कर रहा है। देखिए पेस प्रिंट जो है, चलो वो भी दिखा देते, देखिए ये भी एक डिजिटल बैंक है, तो पेस प्रिंट जो है वो भी एक डिजिटल बैंक है, और आप देखेंगे तो फिनो पेमेंट बैंक वो भी एक डिजिटल बैंक है। तो इसलिए फिनो पेमेंट बैंक ने क्या किया, इस कंपनी के हिस्सेदारी यहाँ पे खरीदारी किया, कितना करीबन करीबन 12.19% का स्टेक। तो यहाँ पे जो कंपनी के बारे में यहाँ पे डिटेल से आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जेनरेशन बैंकिंग मतलब ऑनलाइन बैंकिंग के काम, टोटली ऑनलाइन के माध्यम से बैंकिंग का काम होते हैं, मतलब आपका कोई मतलब फिजिकली कोई बैंक आपको नहीं दिखेगा, मगर डिजिटली बैंक आपका इस पूरी मतलब फैसिलिटीज इस कंपनी आपको देते हैं। तो इसी कंपनी के परसेंटेज यहाँ पे खरीदारी करने वाले है, तो 12.19% उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये एक ऑब्वियसली पॉजिटिव है, कोई भी दूसरा कंपनी को अगर हायर मतलब एक्वायर कर रहा है, मतलब उस कंपनी के तो पॉजिटिविटी होगा ही, साथ ही साथ जो कंपनी एक्वायर किया हुआ है तो उसके लिए भी एक पॉजिटिविटी होगा, क्योंकि वो अच्छा खासा काम भी कर पाएंगे उस कंपनी के माध्यम से। तो क्या होगा ना होगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो यही न्यूज़ के कारण से आज के दिन अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला है। तो देखिए, मार्केट जब पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं उसका मतलब समझ लीजिएगा कि कंपनी में तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है, और जो न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया गया है वो बहुत पॉजिटिविटी में है, तो इसीलिए इस तरीके से मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो अभी फिलहाल के लिए जो बात मैं यहाँ पे आपको बताने वाला था,
वो है इस कंपनी के लिए क्या फ्यूचर में निवेश करना चाहिए, क्या फ्यूचर में इस कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो उसको जानने से पहले कंपनी का न्यूज जो दिया हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, फिनो पेमेंट बैंक ऑन थर्सडे के दिन सेट इट्स बोर्ड हैज अप्रूव ये यहाँ पे देखिए माइनॉरिटी, यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, मतलब छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा वो भी 12.19% का। न्यू दिल्ली बेसिस कंपनी है फिनटेक पेमेंट, सॉरी फिन यहाँ पे देखिए फिनटेक पे पे स्प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं और वो भी 12.19% का। तो ये जो न्यूज़ पब्लिश किया गया है दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर, तो मैं थैंकफुल रहूंगा माइंड के ऊपर क्योंकि अच्छा खासा एक न्यूज़ पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फॉर द फास्ट फॉर फिनो पेमेंट बैंक जो है वो, उसके ऊपर यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो फिनो पेमेंट बैंक ने क्या किया, आफ्टर द पब्लिक लिस्टिंग मतलब आईपीओ जब आया था उसके बाद फर्स्ट टाइम कंपनी ने एक दूसरा कंपनी को यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, मतलब दूसरा कंपनी का स्टेक खरीदारी कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो दिस इज इन यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसिंग टू री यहाँ पे देखिए सर्वाइवल इन द हाउस, यहाँ पे देखिए इनिशिएटिव बाय द बैंक दैट दैट आर ऑलरेडी अंडर वे टूवर्ड यहाँ पे देखिए बिल्डिंग ए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर इट्स कस्टमर एज पार्ट ऑफ इट्स फिनो 2.0 यहाँ पे देखिए जर्नी। तो ऑब्वियसली फिनो जो मतलब पेमेंट बैंक है वो एक अच्छा खासा यहाँ पे ऑब्वियसली काम करने वाले हैं। तो पहले में पता चुका हो जो कंपनी को यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं वो टोटली देखा जाए तो एक डिजिटल पेमेंट बैंक है, और वो भी देखिए कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। द स्टेटमेंट सेड स्टेटमेंट के हिसाब से जो बताया जा रहा है 2021 एंड 2022 वॉज द फर्स्ट फुल्ली ईयर ऑफ द ऑपरेशन फॉर पेमेंट पे स्प्रिंट एंड इट यहाँ पे देखिए इन अचीव्ड एंड एनुअली ग्रॉस यहाँ पे देखिए जो बात मर्चेंडाइज वैल्यूज, तो ग्रॉस मर्चेंडाइज जो वैल्यूज है वो 5,000 करोड़ का। तो एक्चुअली जो कंपनी खरीदारी कर रहा है जो शेयर उसके लिए कंपनी को पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली 5,500 करोड़ का यहाँ पे टोटल मर्चेंडाइज वैल्यूज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो क्या इस न्यूज के बेसिस से क्या फिनो पेमेंट बैंक के ऊपर निवेश किया जाए, तो उससे जाने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में समझना पड़ेगा। तो देखिए कंपनी देखा जाए तो एक टोटली एक बैंकिंग है और जो डिजिटलाइज बैंकिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो मेन बिजनेस है आप टोटली देखा जाए तो डिजिटलाइज के माध्यम से ही कंपनी बिजनेस करते हैं। इस कंपनी देखिए टोटली सेविंग अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, डेबिट कार्ड और पेमेंट मतलब किसी भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट भी कर सकते हैं इस कंपनी के माध्यम से। इंश्योरेंस सेक्टर भी है, यहाँ पे देखिए फिनो पेमेंट सेक्टर भी है और यहाँ पे देखिए रेफरल लेडिंग भी है और साथ ही साथ ऑफर्स भी बहुत सारे आप इस बैंक के कार्ड से कर सकते हैं। इस तरीके से डेटा यहाँ पे कुछ दिया गया है। तो मेरे हिसाब से एक छोटा मोटा बैंक है, देखिए उतना बड़ा बैंक तो नहीं है क्योंकि मात्र 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है बोल सकते हैं, तो बहुत छोटा कंपनी है। तो इस तरीके से छोटा कंपनी के ऊपर ज़्यादातर रिस्की गेम आपको खेलना पड़ता है। तो यहाँ पे करंट जो सिनेरियो है, करंट जो प्राइस है आप देख सकते हैं 311 है और कंपनी का टोटली, तो कंपनी का देखिए जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो एनुअली इनकम 20,000 करोड़, चलो ठीक है सॉरी 20 करोड़ है और कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से चलो 20 करोड़ ठीक है। कंपनी के हाथ में कैश तो कुछ नहीं है, कंपनी का डेप जो है वो 2.81% मतलब परसेंट का डेप है। तो कंपनी के पास करीबन करीबन 400 करोड़ का भी ज़्यादा डेप है और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 75% होल्डिंग प्रोमोटर के पास, मतलब सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस के बारे में बात करें तो 4.59% का ईपीएस है, मतलब अर्निंग पर शेयर 4.59% का है। और रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करें तो 14.0 इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी है। तो ओवरऑल बात करें इस कंपनी के हर पैरामीटर के बारे में, तो ऑब्वियसली आपको ये एक प्राइवेट बैंक के मतलब रैंकिंग में आते हैं, प्राइवेट बैंक इंडस्ट्रीज के ऊपर बिलोंग करते हैं। तो इस कंपनी का देखिए साल भर की नहीं क्वार्टर भर की प्रॉफिट देखिए तो कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। हाँ जरूर कहूँगा कंपनी का प्रॉफिट अप्स एंड डाउन चलते रहे मगर कंपनी ने कभी तक लॉस नहीं किया। इतना मतलब कर्जा होने के बाद भी कंपनी टैक्सेस पे करने के बाद भी कंपनी ने क्वार्टर बेसिस लॉस नहीं किया, मगर साल भर की बात करूँ तो कंपनी लॉस किया। नेट प्रॉफिट देखिए 67 करोड़ का लॉस, 62 करोड़ का लॉस, 32 करोड़ का लॉस, इस तरीके से लॉस किया हुआ है। तो कंपनी देखिए इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 75% होल्डिंग होने के बाद एफआईएस भी माल उठाया है, डीएस भी माल उठाया है, पब्लिक भी माल उठाया है। देखिए मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा फ्यूचर जो है वो टोटली डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से ही चलेगा। तो
तो डिजिटल बैंकिंग आप सभी जानते हैं, सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक और सारे के सारे पीयूसी बैंक भी डिजिटलाइज कर चुके हैं सारे के सारे फाइनेंस सेक्टर को। मतलब आप किसी भी पेमेंट करना चाहते हैं तो डिजिटलाइज के माध्यम से कर सकते हैं। तो सेम टू सेम एक कंपनी भी उसी मतलब फील्ड में काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, अभी निवेश करना नहीं है, थोड़ा सा फोकस रखिए। अगर क्वार्टर बेसिस रिजल्ट किस तरीके से आते हैं क्वार्टर फोर का, उसको देखने के बाद आप डिसीजन कुछ ले सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करने का टाइम नहीं आया। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।